चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक के आपको प्रश्न सॉल्व किए थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। किसी समबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण 70 अंश का है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण ज्ञात कीजिए। यह आपका प्रश्न है। तो प्रश्न आपको दिया हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज। इस तरह से आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी दो भुजाएं आपको क्या दी हुई है, बराबर दी हुई है। आप नाम ले सकते हैं ए बी सी इस तरह से, ठीक है। हमको समान भुजाओं के सम्मुख कोण ज्ञात करना है, ठीक है। तो समान भुजा, ये दो समान भुजा है कौन कौन, ए बी और ए सी, ये समान भुजा हुए। तो इसके सम्मुख कोण कौन कौन से होंगे, ए बी के क्या होंगे, सी होगा, और ए सी का क्या होगा, कोण बी होगा। इस तरह से ये सम्मुख कोण हो गए, ठीक है। तो सम्मुख कोण को ही हमको ज्ञात करना है। तो यदि मैं बी कोण निकालूंगी तो हमारा सी कोण भी बराबर हो जाएगा। हमको यहाँ पर दिया है शीर्ष कोण। अब ये तो पता चल गया कि बी और सी ज्ञात करना, तो शीर्ष कोण कौन सा लेंगे, हम कोण ए लेंगे, जो कि हमको क्या दिया है, 70 अंश दिया हुआ है। तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे, मैंने दिया है, मैं लिखा है कोण ए का मान 70 अंश। माना कि कोण बी और कोण सी का मान कितना अंश है, एक्स अंश है। क्योंकि हमको दो कोणों का मान निकालना है, इसलिए मैंने दोनों ही कोणों को एक्स अंश कंसीडर किया है। अब इसे कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। हमारे त्रिभुज का कोण है कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश। तो कोण ए का मान हमको दिया है 70 अंश, कोण बी का मान हमने एक्स लिया है, सी का मान भी एक्स लिया हुआ है, बराबर 180 अंश। अब 70 तो एक्स के साथ नहीं जुड़ेगा, इसलिए हम एक्स और एक्स को जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा, 2x। अंश लगाना ना भूलें, 180 अंश, ठीक है। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 70 उधर पक्षांतर हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। अब इसे माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 110 अंश। अभी भी हमारी x की वैल्यू नहीं निकली है, तो हम यहाँ पर दो जो गुणा में है उसे भाग में करेंगे, कैसे, x गुणा 2, तो 2 हमारे किस में है, गुणा में, ठीक है। तो गुणा जो है वो भाग में बदल जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 110 अंश बटे 2। अब ये 2 के पारे से कट जाएगा, 2 एक का 2, 2 पंचे 10, फिर एक बचेगा 2 पंचे 10, आप इसे भाग करके भी लिख सकते हैं। तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 55 अंश। अब हमने x किसको किसको लिया है, कोण b और कोण c को, ये मैंने लिखा हुआ है, इसे लिखेंगे। चूंकि कोण b बराबर कोण c बराबर x अंश था, इसलिए कोण b बराबर कोण c बराबर 55 अंश। इस तरह से हमारे कोण b और कोण c के मान प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, त्रिभुज abc एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण c का मान 90 अंश हमको दिया हुआ है, ca और cb भुजा हमको बराबर दी गई है, x की वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारा डायग्राम इस तरह से बना हुआ है, पर a है, यहाँ पर c है और d है। c पर हमारा 90 अंश का कोण है क्योंकि समकोण त्रिभुज दिया है। a का कोण हमको निकालना है, b कोण पर x का मान दिया गया है, और साथ ही ca और cb भुजा को बराबर दिया गया है। अभी हम समद्विबाहु त्रिभुज में देखे थे कि सम्मुख कोण क्या हो गए थे, बराबर हमने लिया था। तो इस डायग्राम को यदि देखें तो इस भुजा का cb भुजा का सम्मुख कोण a होगा और ca भुजा का सम्मुख कोण b होगा। तो अभी जैसे मैंने हल किया था, सेम हमको वैसे ही हल करना है। दिया है आपको, दिया है में जो चीज दिया रहता है, जैसे कि यहाँ पर सी कोण 90 दिया है,
तो इसे हम दिया है में लिखेंगे तथा कोण बी का मान हमको एक्स दिया हुआ है तथा सी ए बराबर सी बी। इस तरह से हमको ये तीन वैल्यू दिए हुए थे, इसे मैंने यहाँ पर दिया है में लिखा है। चूंकि सी ए भुजा सी बी भुजा के बराबर है समद्विबाहु त्रिभुज से, इसलिए इसके दो कोण यानी कि कोण ए बराबर हो जाएगा कोण बी के। तो बी की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, एक्स दी हुई है, इसलिए हमारे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स आंसर हो जाएगी। ठीक है, तो एक्स कोई आंसर होता है क्या, नहीं होता है, तो हमको एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालनी होगी। तो अभी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, ए की वैल्यू एक्स है, बी की वैल्यू एक्स है तथा सी हमको 90 अंश दिया हुआ है बराबर 180 अंश। एक्स एक्स जोड़ देंगे 2x हो जाएगा प्लस 90 अंश बराबर 180 अंश। 90 यहाँ पर प्लस में है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 2x बराबर 180 अंश माइनस 90 अंश, 2x बराबर घटाएंगे 90 अंश आ जाएगा, 2 यहाँ पर गुणा में है भाग में चले जाएगा, तो काटेंगे तो ये 45 बार में कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 45 अंश। अब x हमारा क्या क्या था, a का मान भी x है और b का मान भी x है, इसीलिए कोण a बराबर कोण b बराबर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 अंश। इस तरह से हमको x की वैल्यू निकालनी थी, तो आप लिखेंगे x का मान 45 अंश होगा।